धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। यहाँ पर ये बैठ के आपस में तय हुआ है लिखित रूप में कि 106(2) को लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी वो लागू नहीं हुआ था और ये आगे भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जो ज्वाइंट कमेटी बनी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की और गृह मंत्रालय की, वो बैठ के इस पर पूरी चर्चा और उसका विस्तार में इसके प्रो और कॉन्स नहीं समझ लेते, इनको लागू नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब था कि जो मसला था, जो अफवाह थी, वो भल्ला साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है पूरी कि ये पहले भी अभी लागू नहीं किया गया था और आगे भी अभी लागू नहीं किया जाएगा जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसमें। अब एक लाइन में और मैं स्पष्ट रूप से आपसे चाहता हूं कि कई आपके एसोसिएशन के जो अलग अलग ट्रक ड्राइवर सब लोग हड़ताल पे हैं जी, उसके वापसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपील कर दी है, आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील जा चुकी है, हमारी सोशल मीडिया पे भी जाएगी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं, पूरा कम्युनिकेशन है, पूरे इंडिया की ट्रांसपोर्ट पे कंट्रोल है। बड़ी खबर आई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर। खबर है कि हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हिंसक हो गई। देश के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों के पुलिस वालों पर हमले की खबरें आईं। यूपी के मैनपुरी में तो प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। ट्रक ड्राइवरों की यह हड़ताल हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में है। नए कानून में सड़क हादसे के बाद घटनास्थल से भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल कैद और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और इसीलिए सड़क हादसों के बाद घटना वाली जगह से भाग जाने के मामलों में बने इस नए कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन तेज हो गया। केंद्र सरकार ने यह कानून सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बनाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रक ड्राइवरों को कोई भड़का रहा है जिसके कारण नए कानून पर देश भर में हंगामा हो रहा है और इसका खमियाजा देश के आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। कहीं पेट्रोल और डीजल खत्म है तो कहीं हाईवे ठप होने के कारण ट्रैफिक जाम लगा है। हिट एंड रन से जुड़े पुराने मामलों में पहले केवल एक ही कानून था जो हादसे के आरोपियों पर लागू होता था। सड़क हादसे के बाद भागने वाले लोगों के लिए भी वही कानून था। हादसे के बाद भागने के बजाय घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए भी वही कानून था। मतलब टक्कर होने के बाद ड्राइवर भाग जाए या घायल हुए व्यक्ति की मदद करे, कानून दोनों ही हालात में कोई फर्क नहीं करता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहली है 106(1) जो सड़क हादसे के उन आरोपियों पर लगाई जाएगी जो हादसे के बाद मौके से भागते नहीं बल्कि घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। इस धारा को नए कानून में जमानती रखा गया है, यानी आरोपी को आसानी से जमानत मिल सकती है। जबकि धारा 106(2) उन लोगों के लिए है जो सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भाग जाते हैं। उन पर सख्ती तो बरती गई है, इस धारा को गैर जमानती भी बना दिया गया। यानी नया कानून हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने में अहम साबित हो सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों को आखिर कौन भड़का रहा है, क्योंकि देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों के हंगामे की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिट एंड रन पर नए कानून का विरोध करने के चक्कर में ट्रक ड्राइवरों ने कई शहरों में लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया और इसकी कुछ तस्वीरें यूपी के मैनपुरी से भी सामने आई। वहां ट्रक ड्राइवरों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पत्थरों की बारिश कर कोहराम मचा दिया। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस वालों ने एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी कर रहे ट्रक ड्राइवरों को डराने के लिए हवा में कई गोलियां चलाई। इसके बाद भी वहां की सड़क पर पत्थर बरसते रहे, इसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। कोई भी आदमी अपनी गाड़ी को पत्थरों की बारिश के बीच से ले जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। ऐसे में देखते ही देखते वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के फायरिंग के बाद भी ट्रक ड्राइवरों का उत्पात खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें भगाने के लिए एक्सप्रेसवे के नीचे उतर गए, क्योंकि हंगामा कर रहे लोगों ने अपने ट्रकों को एक्सप्रेसवे पर खड़ा कर उसे जैम करने की कोशिश की और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो लोगों को डराने के लिए उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के जवान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नीचे उतर गए। लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों पर कोई असर नहीं हुआ।
वो पहले की तरह एक्सप्रेसवे पर पत्थर बरसाते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसकी वजह से वहां काफी देर तक हाहाकार मचा रहा, लोगों में खौफ का माहौल रहा। मैनपुरी की ही तरह हरदोई में भी ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती सड़क जाम करने की कोशिश की और जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। काफी देर तक उन्होंने वहां हंगामा किया। इसकी वजह से हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे घंटों जाम रहा। लोग जाम के खुलने का इंतजार करते रहे। हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में वहां रोडवेज की बसें भी नहीं चल पाई। इससे भी लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। लेकिन लोगों की भारी परेशानी के बावजूद देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया। इसका असर पंजाब के भी कई शहरों में देखने को मिला। हालांकि पंजाब के बठिंडा में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ट्रक ड्राइवरों के प्लान पर पानी फेर दिया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा में कई पेट्रोल पंपों तक तेल के टैंकर पहुंचाए। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की कोशिश की ताकि लोगों की परेशानी बढ़े, लेकिन वहां की पुलिस और प्रशासन ने न सिर्फ तेल टैंकरों की व्यवस्था की बल्कि कई ड्राइवरों का भी इंतजाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में तेल के उन टैंकरों को पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस ने अपनी निगरानी में तेल के टैंकर पहुंचाए ताकि शहर में पेट्रोल और डीजल की कमी न हो पाए। खबर है कि बठिंडा के अलावा कई दूसरे जिलों में भी इसी तरह की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है। और हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में हो रहे हंगामे का सबसे ज्यादा खमियाजा उन लोगों को उठाना पड़ा जो बसों से यात्रा करते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। और जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर कई यात्री दिन भर इधर उधर भटकते रहे। हालांकि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर तोड़फोड़ और जाम को देखते हुए रोडवेज की बसें कम चली। इसकी वजह से वहां पहुंचे लोगों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ा। इस पर लोगों ने अपना गुस्सा हड़ताल करने वाले उन ट्रक ड्राइवरों पर उतारा। मतलब क्या है, वो तो बिल्कुल गलत है, यात्रियों को इतना नुकसान हो रहा है। वहाँ बस अड्डे के कर्मचारी रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी करते दिखे, लेकिन ज्यादातर बसें जगह जगह हो रहे हंगामे की वजह से नहीं चल पाई। जयपुर के अलावा कई दूसरे शहरों में भी इसी तरह लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा।